हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम महेश देसवाल है और आप देख रहे हैं अभी तक .com। हमारे साथ भिवानी के पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज मौजूद हैं। आज की जनसभा जो यहाँ पर भिवानी में खत्म हुई है, जन आशीर्वाद यात्रा, उसके संबंध में कुछ सवाल पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा चल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, ये आज भिवानी में समापन हुआ है, इसको जो जन समर्थन जो मिल रहा है उसको देख के क्या कहें? पहली बात तो आज इसका समापन नहीं हुआ है, कल ही भिवानी में। मैंने ये कहा कि आज का समापन भिवानी में हुआ है। आज का समापन तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी भी भिवानी की यात्रा का कुछ पार्ट शेष है और वो कल मॉर्निंग में होएगा। आप देख रहे हैं कि ये एक, मैं समझता हूँ कि हरियाणा की राजनीति में विशेष तौर पर एक नया कंसेप्ट है। इस तरह से पहले कभी, मेरी उम्र अब 65 वर्ष हो गई है, और कभी किसी मुख्यमंत्री ने शायद इस प्रकार से एक ही साथ में 15-15, 20-20 प्रोग्राम एक ही शहर में शायद नहीं। ये एक नया कंसेप्ट है, इसका नाम मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा दिया है। वो लोगों से कहते हैं कि मुझे अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, और वो अपनी कुछ बातें बताते भी हैं, आगे आने का निमंत्रण भी देते हैं, और जो काम उन्होंने पीछे किए हैं उसके बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। तो एक बहुत नया कंसेप्ट है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अब की बार 75 पार कितना सार्थक नज़र आ रहा है? काफ़ी सार्थक नज़र आता है। जिस प्रकार से जो घटनाक्रम पीछे हम देखते हैं, 5 मेयर यहाँ पे बने, जींद का उपचुनाव जीता गया, और 10 के 10 लोकसभा के सांसद हमारे बीजेपी के हैं। तो उस चाल को देखते हुए तो लगता है कि 75 पार साथ। सर, आप यहाँ से पूर्व विधायक हैं, भिवानी के पहले भी विधायक रहे हैं, तो आगे टिकट के बारे में अगर आपसे पूछे तो क्या लगता है, आपकी बार कुछ आशीर्वाद मिलेगा पार्टी की तरफ से? टिकट नेचुरली तो पार्टी देखेगी, पार्टी को क्या करना है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, लेकिन हम पार्टी में तो हमें पार्टी के लिए काम करना है, जिसको भी टिकट मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सर।